हे एवरीवन, वेलकम टू फाइव कैमलो। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इस बार 2021-22 सेशन का, इसे आज अच्छे से समझेंगे। इस बार जो आपका सिलेबस है 2020-21 का जो सिलेबस था कोरोना के टाइम वाला, वो इस बार चेंज हो चुका है। तो आपका कभी आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो इस बार आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपके जितने भी कन्फ्यूजन है सिलेबस से रिलेटेड वो सारे क्लियर करता हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पे आपकी वीडियो बहुत छोटी रहेगी और आपको बिल्कुल आसानी से मैं यहां पे सिलेबस समझा दूंगा जो आपको सिलेबस इस बार पढ़ना है। बस सिंपल सी बात क्या है, पिछली बार आपका 70% सिलेबस आपको पढ़ना था, 30% सिलेबस आपका कटा हुआ था, वहाँ पे डिलीटेड था। और इस बार क्या है, आपका यहाँ पे फिर से वो सिलेबस आ गया, यानी सीधी सीधी भाषा में बात ये, आपको इस बार टोटल सिलेबस पढ़ना है जो पहले हुआ करता था। इस बार आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर समझाऊँ, ध्यान से आप देखोगे, अगर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देखना शुरू करो, मतलब इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो भाई, सिलेबस लिखा है 2021-22 सेशन थ्योरी वगैरह लिखा हुआ, ऊपर 70 मार्क्स। यहाँ पे आपके जो चैप्टर है इस बार टोटल चैप्टर है आपके 16 चैप्टर, इन 16। पिछले साल जो आपके चैप्टर थे 3 चैप्टर कटे हुए थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कटा हुआ था, मैं आपको दिखाऊँ, एक तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कटा हुआ था, ये आपको जो दिख रहा है पॉलीमर कटा हुआ था, और एक आपका सिलेबस जो चैप्टर यहाँ पे कटा हुआ था वो था आपका ये वाला जनरल प्रिंसिपल वाला, ये चैप्टर इसके पिछले बार आपके कटे हुए थे, लेकिन इस बार आपको ये सारे के सारे यहाँ पे पढ़ने हैं अच्छे से। तो ये तो आपको कोई इसमें यानी इस बार कोई वो नहीं मिली, छूट वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट कुछ नहीं है। इस बार पिछले साल डिस्काउंट था 30%, इस बार 70% आपको, मतलब पिछले साल 30% का डिस्काउंट था, इस बार 100% आपको पे करना पड़ेगा, यानी पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे मार्क्स बता दूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें ध्यान से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेबस पूरे पूरे चैप्टर के वो दिख रहे होंगे, मार्क्स दिख रहे होंगे इनके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 23 मार्क्स में जो आपके चैप्टर दिखेंगे सरफेस केमिस्ट्री तक, तो ये जो आपके चैप्टर यहाँ पे 1 सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री 5 चैप्टर हैं, ये आपके 23 मार्क्स के हैं। 23 मार्क्स ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपकी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपके फॉर्मूला वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह होंगे वो आपके हैं। तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री ओवरऑल होगी 23 नंबर की। इसके बाद यहाँ पे आप चैप्टर देखोगे अगर जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन वाला, इसके बाद पी ब्लॉक यहाँ पे सबसे महंगा चैप्टर, महंगा चैप्टर मतलब सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, तो सबसे महंगा चैप्टर है, 8 नंबर का आता है लगभग। तो ये आपका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके आएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये आपके किस में आएंगे अगर आप चेक करोगे बच्चों, ये यहाँ तक आ गए आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक आपके आ गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसका आपका जो वेटेज है वो है 19 मार्क्स। इसके बाद आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके चैप्टर आ रहे हैं जो ये है चैप्टर आपके हेलोएल्केन हेलोएरीन, फिर आपका अल्कोहल फिनोल और ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजेलिक एसिड, अमाइंस, फोलिम बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी चार और चार 8 चैप्टर हैं यहाँ पे, 8 चैप्टर यानी 28 नंबर के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी 28 मार्क्स की, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पिछली बार कटा हुआ था लेकिन इस बार आपको पढ़ना है पूरा। इसके बाद नीचे आप इन्हें देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है हर चैप्टर का। जैसे आप सॉलिड स्टेट को देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉलिड स्टेट में आपको यहाँ पे जितने टॉपिक है, पिछले साल मैं आपको बता दूँ कहाँ तक पढ़ना, सिर्फ पिछले साल जो आपको टॉपिक पढ़ने थे वो क्या थे आपके, सिर्फ आपको पढ़ना था पिछले साल बच्चों, एक सेकेंड जरा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पिछले साल आपको पढ़ना था यहाँ पे डिफेक्ट्स तक, सिर्फ आपको डिफेक्ट्स दिख रहा होगा यहाँ पे डिफेक्ट्स तक, लेकिन इस बार ये आपके जितने टॉपिक दिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर, ये वगैरह सब कुछ पढ़ने हैं। तो इसमें कुछ नहीं, आप सिलेबस सारा पढ़ सक समझ चुके होंगे। इसके बाद आपका इसमें मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ, सॉलिड स्टेट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेंसिटी वाला, डेंसिटी वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है जरूरी, और रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ वगैरह ये आपको पढ़ने। फिर सॉल्यूशन में आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत जरूर आते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका नष्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर केमिकल काइनेटिक्स में आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल आते हैं इनमें से ज़्यादातर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आपकी सरफेस केमिस्ट्री वगैरह। तो आप इस सिलेबस अपना चेक कर सकते हो, ये आपको पूरा सिलेबस दिख रहा होगा, और आप इस सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं जाके आप अपना सिलेबस, या इधर स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अब आराम आराम से ऊपर लेके जा रहा हूँ इसे। तो ये आपके चैप्टर है कुछ सारे सारे, ये आपको सिलेबस आराम से अपना रीड कर लेना है। ओवरऑल कुल मिलाकर बात ये, पिछली बार जो 30% डिस्काउंट था इस बार ख़त्म कर दिया, आपको 100% पे करना पड़ेगा, इस बार सब खत्म हो गया, डिस्काउंट वगैरह की जो स्कीम थी सब चली गई, तो इसलिए आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, नहीं तो आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं cbseacademic.nic.in से। तो बच्चों आप इसे ध्यान से अपना पढ़ने तैयारी शुरू करो, किसी चक्कर में मत पड़ो, कभी आप भी सोच रहे हो कोरोना अगले साल भी रहे और पास पूछ ऐसे जाओ,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस। और वीडियो पसंद आई हो तो और अपने हाँ टीचर के साथ, अपने जो आपके स्कूल के टीचर के साथ भी शेयर करें, सभी को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।